मानवीय रिश्तों की जटिलताओं से अक्सर अस्पष्ट रहने वाली दुनिया में ऐसे कहानियां हैं जो सामान्य है परंतु आत्मा पर गहरी प्रभाव विकसित करता है और दिल पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, विश्वासघात और अथाह नुकसान को समेटे हुए है। टॉबी, अ यंग मैन विद हार्ट फुल ऑफ ड्रीम्स एंड अ फ्यूचर ब्राइट विद प्रॉमिसेस, फाउंड हिज लाइफ अब्रप्टली एंड ट्रेजिकली कट शॉर्ट। ही एग्जेम्प्लीफाइड काइंडनेस, एम्पावरिंग बोथ वल्नरेबल एंड स्ट्रेंथ। खुले तौर पर अपनी भावनाओं को दिखाया और खुद को अपने प्रियजन के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उनका समर्पण और स्नेह विशेषकर काटनी के प्रति वास्तव में गहरा था, हालांकि उनके प्रतीत होने वाली गहरे बंधन के मुखौटे के नीचे एक अंधेरा छुपा हुआ था जिसका कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एज वी एक्सप्लोर द डिस्ट्रेसिंग स्पेसिफिक्स ऑफ टॉबीज लास्ट मोमेंट, प्रिपेयर योरसेल्फ एज दिस स्टोरी इज मोर देन जस्ट अ रिटेलिंग ऑफ ऑकरेंस बट अ पॉइंटेंट रिमाइंडर ऑफ हाउ इजीली ट्रस्ट कैन बी शटर्ड एंड द ट्रेजिक आउटकम्स ऑफ लव गॉन इनटू एस्ट्रे। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको तोड़ देगी, ना केवल इसके जीवन के अर्थ के कारण बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमें मानव स्थिति की कठोर अक्सर क्रूर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। तैयार हो जाइए इतनी जल्दी खो गई जिंदगी के शोक मनाने के लिए और ये सवाल करने के लिए कि जिसके पास देने के लिए इतना प्यार था उनके साथ इतना दुर्घटना कैसे हो सकता है। Currently, a highly accomplished social media influencer boosting more than 2 million Instagram followers, earning surpassing $3 million from OnlyFans and other business endeavors, experienced a significant downfall in her personal and professional life. 3 अप्रैल 2020 को कर्टनी के एक्शन चाहे जानबूझकर की गई या नहीं उसकी प्रेमी की दुखद मृत्यु हो गई जिसके परिणाम स्वरूप उसकी साम्राज्य का पतन हो गया और उसके आचरण की जांच शुरू हो गई। कर्टनी के जन्म 21 अप्रैल 1996 को टेक्सास में हुए। उनकी माता का नाम किम डेविन और पिता का नाम डोब्रा क्लिनी, उनकी बहन का नाम मॉर्निल थे। उनके पिता एक वित्तीय सलाहकार मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करने के कारण दे हैड अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। बचपन से ही कर्टनी विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज और कलाओं में मतलब आर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने इस एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया और फिटनेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बाद में एक निजी प्रशिक्षक मतलब पर्सनल ट्रेनर बन गई। उन्होंने सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम और ओनलीफैंस पर प्रसिद्धि हासिल की और अच्छी खासी इनकम अर्जित की। 2020 में उसने क्रिश्चियन मतलब टॉबी को डेट करना शुरू किया। देयर रिलेशन टर्न टर्बुलेंट कैरेक्टरिस्टिक बाय कर्टनीज डोमिनेटिंग एंड एग्रेसिव कंडक्ट पर्टिकुलरली व्हेन इंटॉक्सिकेटेड। इसके बावजूद भी जनवरी 2020 में मायामी चली गई और एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने लगी। हालांकि कर्टनी की व्यवहार दिन प्रतिदिन खराब होती गई और उसके रिश्तों में तनाव बढ़ता गया मतलब दोनों के ही रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। ड्यूरिंग द वी इन मायामी पॉडकास्ट शी कैंडिडली कन्फेस्ड टू हैविंग टॉक्सिक ट्रेट्स, अ डिस्टेस्ट फॉर बीइंग कंट्रोल्ड एंड अ प्रेफरेंस फॉर डेटिंग अफ्लुएंट ब्लैक मैन। एडिशनली शी आर्टिकुलेटेड अ विश टू इंप्रेस सबमिशन सोनली विद इन द कन्फाइंस ऑफ बेडरूम, रिजेक्टिंग एनी फॉर्म ऑफ कंट्रोल इन अदर्स एरिया ऑफ हर लाइफ। टॉबी के साथ उनकी रिश्ता हिंसक हो गई जिसमें गालियां देना, प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करना, घर के सामान को बर्बाद करना एवं उसमें फिजिकल अब्यूज भी शामिल था। अपने इस दुर्व्यवहार के बावजूद वो अक्सर माफी मांगती थी और महंगे उपहार के साथ सुधार करने की कोशिश करती थी। उनके रिश्ते लगातार खराब होते गए। कर्टनी की हॉस्टिलिटी 3 अप्रैल 2020 को अपने चरम सीमा पर पहुंच गई जब उन्होंने टॉबी को सीने में चाकू मार के उनकी हत्या कर दी। डिस्पाइट द अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू हिम, ही सकम्ब्ड टू हिज वुंड्स एवं कर्टनी की कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना अधिकारियों ने उन्हें अरेस्ट किया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। तो एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था? आफ्टर अ हैवी ऑल्टरकेशन टेबलेट टहलने के लिए निकल गई और शाम को रफली 4:30 के आसपास घर लौट आई। इसके बाद उन दोनों में विवाद और भी बढ़ गई जब कटनी टॉबी द्वारा अपनी लाइव लोकेशन शेयर करना बंद कर दिया और इससे कटनी बहुत परेशान हो गई। कटनी के आरोप है कि टॉबी ने उसके साथ मारपीट की और उसकी गर्दन पकड़ी और उसे धक्का दिया। अपनी सुरक्षा के डर से उसने कथित तौर पर दूर से चाकू फेंका। कटनी ऑप्टेड टू कॉन्टैक्ट हर मदर इंस्टेड ऑफ सीकिंग एमरजेंसी सर्विस राइट अवे, कॉजिंग अ डिले ऑफ 30 मिनट्स व्हाइल टॉबी वाज एक्सपीरियंसिंग हैवी ब्लीडिंग। हर आंसर ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग वेयर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड डूबियस, इंडिकेटिंग दैट शी हैड नॉट थॉरली कंसिडर्ड हर नैरेटिव्स। एडिशनली
She minimized the altercation from previous night despite being the instigator. Katni was admitted to a psychiatric facility but was discharged after 2 days. The investigator determined the incident to be a domestic conflict, with Katni acting in self-defense. There were numerous doubts regarding the accuracy or version of this event. घटना के तुरंत बाद Katni was released. ऋतिक ने 24 घंटे से भी कम समय में अपनी जांच पूरी कर ली, sparking debates about Katni being a white young man. मतलब सोशल मीडिया में ये सब डिबेट चल रहा था उस टाइम पे कि Katni को प्रेफर मतलब थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया गया है या नहीं बीइंग अ वाइट यंग वुमन. हालांकि जांच अभी भी जारी है. उसी दौरान Katni ने अपनी सामान्य जीवन शैली फिर से शुरू कर दी, जिसमें अपने परिवार के साथ शराब पीना, पार्टी करना, ये सब भी शामिल था. उसके वकील ने पुलिस को आश्वस्त किया कि उसने आत्मरक्षा में एक्ट की, इससे Katni को आज़ादी मिल गई. जबकि प्रवेश के परिवार ने न्याय की मांग की और उन्होंने मामले को एक अलग दृष्टिकोण से देखने और टोबी के पीड़ित होने का सबूत इकट्ठा करने के लिए एक वकील नियुक्त कर दी. जबकि प्रवेश के परिवार ने उसके अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए एक GoFundMe मतलब फंड बनाया, जिसका नाम था GoFundMe. इसके ठीक विपरीत Katni ने टैक्सेस में एक नया घर पर $10,00,000 से भी अधिक खर्चा किया और अपने पिता के खाते में $1.2 million दिया. मादक द्रव्य का सेवन और PTSD के कारण उसे हवाई के एक बस मतलब रिहैब सेंटर केंद्र में भर्ती किया गया. 10 अगस्त 2020 को Katni का सेकेंड टाइम अगेन हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया. द प्रोसिक्यूशन डेडिकेटेड एम्पल टाइम टू गेदर सब्सटेंशियल एविडेंस सच एज एलिवेटर फुटेज शोइंग Katni असर्टिंग टॉबी अलोंग विद अदर कंपेलिंग मटेरियल्स. इन्वेस्टिगेशन से दौरान या इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि Katni पहले मतलब टॉबी से पहले उनका एक बॉयफ्रेंड था, उनको ये Katni ने चाकू मारने की कोशिश की थी. मतलब वो पहले बहुत पहले वो 2010-11 के आसपास उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था और 2011 में एक बॉडी बिल्डर शॉन रेडवर्ड को जबड़ा तोड़ दिया था Katni ने. मेडिकल रिपोर्ट से ये सामने आया कि टॉबी की घातक चोट दूर से फेंके गए चाकू के कारण नहीं हो सकती, जैसे कि Katni ने दावा किया था. चोट 8 सेंटीमीटर गहरे चाकू के घाव से पता चलता है कि हमला बेहद करीबी से किया गया है. द रिपोर्ट डिटरमाइंड द कॉज ऑफ डेथ एज स्टैब वुंड टू राइट सबक्लेविन आर्टरी एंड रूल्ड इट अ होमिसाइड. ये घाव Katni की नाम के जो टैटू था उसके ठीक ऊपर पवी के छाती में नीचे की ओर से जानबूझकर की गई चाकू से. Katni के डिफेंस लॉयर टीम ने बॉन्ड पर उसकी रिहाई सुनिश्चित करने की प्रयास किया, लेकिन जुडिशियरी ने उनकी ये जो अपील वो रिजेक्ट कर दी. एज वी क्लोज दिस चैप्टर वी आर लेफ्ट विद अ हैवी हार्ट एंड काउंटेड अनआंसर्ड क्वेश्चंस. रवि का दुखद अंत जीवन की नाजुकता और हमारे रिश्तों के गहरे प्रभाव की याद दिलाता है. इस स्टोरी एज्ड विद लव एंड सोरो कंपेल अस टू रिफ्लेक्ट ऑन नेचर ऑफ ट्रस्ट द डेप्थ ऑफ ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एंड द डिवेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड टर्मोइल. हालांकि टॉबी की जीवन समाप्त हो गई, लेकिन उनकी याद कायम है जो हमें उन लोगों को समझने और उन लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए प्रेरित करते हैं जिनकी आवाज दबा दी गई है. Let his legacy a beacon, guiding us towards empathy, understanding, and a commitment to protecting the sanctity of human life. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. Aap se mulaqat hoga next video pe. Till then, bye bye.